तो चलिए, सीएसई आधार अपडेट और आधार सेंटर को लेकर एक अपडेट निकल के आया। ये अपडेट बहुत समय पहले निकल के आया था, जो दिनेश त्यागी सर लाइव बोले थे, जिसका वीडियो हम लाने में थोड़ा देर कर दिए, लेकिन यह वीडियो आपको एकदम करेक्ट है। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और इस वीडियो में आपको क्लियर करके हम नहीं दिनेश सर ही बताएंगे कि आपको कैसे आधार अपडेट का कार्य मिलेगा। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, यह अनुरोध करते हैं। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए डायरेक्ट हम दिनेश त्यागी सर का लाइव देखते हैं, और वहाँ पे जानते हैं कि जो हमारा आधार अपडेट और आधार सेंटर का वर्क है, वो हमें अब कैसे मिलेगा। अभी हमने उनको कहा है आधार अपडेट शुरू कर दो, तो वो एक एप्लीकेशन बना रहे हैं ओनली, अलग से जब बन जाएगी तो हम शायद अपडेट भी सीएससी शुरू कर देंगे करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, आधार भी करेंगे करेंगे। तो वो थोड़ी सी मेहनत करो, सब लोगों को बुला बुला के आयुष्मान कार्ड दिला दो बेटे, सब नहीं करते ना, एक दो तो बहुत अच्छा है, लेकिन सब कर लो। एससीसी का डेटाबेस चेक करने का आपको आता है, आपके गांव में कितने लोग एलिजिबल हैं, ये सबको आता है निकालना, सबको आता है, जिसको नहीं आता है वो सीख लो। एक साइट पे एससीसी का डेटाबेस है, आप गांव का नंबर डालोगे तो सारे परिवार के लोग जो आयुष्मान भारत है उसमें आ जाएगी डिटेल, ऐसे चेक। क्या हुआ? नहीं यार, आयुष्मान बंद नहीं होता, आयुष्मान तो बंद होगा ही नहीं। अच्छा मैं देख के बताता हूँ, पर पहले लिखो लिया, अभी भी गांव में पता लग जाएगा कि जो जो लोग हैं सबको बुला लो, बीपीएल वाला, नॉर्मली बीपीएल परिवार वाले जिसके पास बीपीएल का कार्ड होगा उसको बुला लेना, उसका उस डेटाबेस में चेक कर लेना। एक हमने पता नहीं आप लोगों को मालूम है, पेंशन स्कीम करते हैं प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी मानधन, कितने लोगों ने किया है? कोई बात नहीं बेटा, जिसकी प्रॉब्लम है हम बता देंगे, बैठ आप लिख के दोगे तो बता देंगे। पर प्राइम मिनिस्टर श्रमयोगी मानधन में पहले अपने लिए एक ले लेना, अपने लिए लिए है, कितने लोगों ने अपने लिए लिए? वेरी गुड। इस देश में 40 करोड़ लोग लेबर हैं, 40 करोड़, और 14 करोड़ किसान हैं, 40 और 14 54, और 6 करोड़ दुकान वाले हैं, छोटे मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज, 54 × 6 यानी कि 60 करोड़ लोगों को आप पेंशन दे सकते हो। जो 40 साल से ऊपर है उसको नेशनल पेंशन स्कीम दे देना, जो 18 से 40 के बीच में है उसको इसमें से एक निकाल के दे देना, प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी मानधन, प्राइम मिनिस्टर किसान मानधन, या एनी ऑफ दी स्कीम्स यू कैन गिव इट टू देम। आयुष्मान उड़ीसा में है बच्चे शायद, जो स्टेट में नहीं है वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। देखो आयुष्मान भारत की स्कीम हम तो भारत सरकार के साइन करते हैं, लेकिन स्टेट अपने आप अप्रूव करती हैं, तो जो स्टेट खोल देती है उसी स्टेट में वो लागू हो जाता है। तो आप लोग सब मिलके उड़ीसा गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखो कि आयुष्मान भारत सीएससी से किया जाए, हम कर देंगे। आप भी थोड़ा प्रेशर करो ना, आप कुछ नहीं करोगे तो उड़ीसा गवर्नमेंट हिलेगी नहीं। आप सब मिलके एक चिट्ठी लिखो चीफ मिनिस्टर को कि सारे देश में आयुष्मान भारत सीएससी से होता है, उड़ीसा में भी किया जाए, ऐसे लिखो। और कोई नुकसान तो है नहीं, वी ओनली हेल्पिंग देम। मालूम बेटे, मालूम मालूम मेरे को। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ अभी अभी। एक जो हमारा सबसे पेन ही है वो आधार है, सब बच्चों को आधार की परेशानी, वो हमारे लिए सबसे बड़ा दर्द का हिस्सा है बेटा। देखो एक चीज तो शुरू हुई है, पता नहीं आप लोग कितने करते हो, हमने कहा है कि आधार का कार्ड प्रिंट हो सकता है सीएससी के माध्यम से, है ना, वो शुरू हो गया है। लेकिन लेकिन क्या है मैं बताता हूं, लेकिन आप लोग तो उस्ताद हो, आप तो पीडीएफ से डाउनलोड कर प्रिंट करते हो, तो सीएससी से नहीं करोगे, लेकिन वो पीडीएफ वाला इलीगल है, ये सीएससी वाला लीगल है, दैट्स द डिफरेंस। तो अगर आप लीगली आधार कार्ड प्रिंट करना चाहते हो तो आप सीएससी के माध्यम से हर एक कोई आधार कार्ड प्रिंट कर सकता है, कोई पकड़ेगा नहीं।
लेकिन आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसके ओटीपी से फिल करके फिर प्रिंट करते हो, वो कोई भी पकड़ लेगा किसी दिन, फिर आप हमें नहीं कहना। सॉरी, हाँ उसका नहीं होगा, उसका नहीं होगा। कोशिश करें बेटा, कोशिश कर रहे हैं। अभी एक कान पकड़ा है, अब दूसरा कान पकड़ेंगे, धीरे धीरे होगा। सी, अभी हमने उन्होंने प्रिंट अलाउ किया, अभी हमने उनको कहा है आधार अपडेट शुरू कर दो, तो वो एक एप्लीकेशन बना रहे हैं ओनली, अलग से जब बन जाएगी तो हम शायद अपडेट भी सीएससीए शुरू कर देंगे। बस एनरोलमेंट तो नया होता नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग जैसे हरियाणा वाले हैं, हरियाणा वाले सीएससी जिनकी पंचायत घर में है वो हरियाणा में कर सकता है, हिमाचल वाले भी कर सकते हैं क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारा रिलेशन है। तो हरियाणा में और हिमाचल में और आंध्रा में हम लोग आधार का काम करते हैं सीएससी के माध्यम से, पर वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होता है। तो जहाँ जहाँ स्टेट गवर्नमेंट करेगी वहाँ कर लेंगे, नहीं तो धीरे धीरे हो जाएगा। बट डोंट वरी, आप चिंता मत करो, आपके लिए हम लड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, आधार भी करेंगे। पहले आपस में बात करना बंद करो तो फिर कुछ बोले। आपस में बैठे पहले बात बंद करोगे तो फिर कुछ सुनाई देगा। पहले एक बार सुन लो फिर जाके बाहर बात करना, दैट्स अ बेटर थिंग। मेरे को समझ में नहीं आ रहा आपकी बात। वो मैं कर दूंगा बेटा, वो एक्टिवेट हम करते हैं, आप मेरे को बताना, हम सारी सीसीज को एक्टिवेट कर देंगे, वो भी हमें उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है, दैट इज हाउ। सो आधार कार्ड प्रिंटिंग कोई भी करना चाहता है, उसकी आईडी को हम आधार यूआईडी से अप्रूव कराते हैं, तो आप हमें दे देना आपका डेटा लेकर के, हम यूआईडी के पोर्टल में फीड करते हैं, यूआईडी वाला उसको अप्रूव करता है, फिर वो एक्टिवेट होती है। दैट्स ओनली वे टू डन, बट ऑल ऑफ यू आर एलिजिबल, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी जगह कोई भी स्टेट में आप हैं, हम आधार का कार्ड का आपको काम, आधार कार्ड प्रिंटिंग का शुरू कर सकते हैं। एक को दे दो, सबको अपने आप आपस में शिफ्ट कर देंगे, एक को दे दो। एजुकेशन मैं एक बोल लू फिर मैं आपकी सुन लूंगा। एक हमने आज जो बताया था कि मकसद एजुकेशन का है, तो एजुकेशन का ध्यान से करना, सारे सीएससी में कुछ ना कुछ एजुकेशन करना। जिनकी दुकान छोटी है, जिनके पास एक या दो कंप्यूटर ही हैं, वो भी कुछ ना कुछ करना, एक दो लोगों को जरूर पढ़ाना, और जिनकी इच्छा है बड़ा करने की वो बड़ा सेंटर बना लेना, बट एजुकेशन से अच्छा कुछ नहीं है। एजुकेशन से सरकार से कोई लेना देना नहीं, लोगों को पढ़ाना है, आपकी एबिलिटी है, हाउ मच यू कैन डू दैट। वो लड़की नौसीन, उसका नाम है, हैदराबाद में, नौसीन ने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बेचा, जो हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हैं, और 8 लाख रुपए कमाए। 8 लाख इज अर्निंग, एजुकेशन इज लाइक दिस। तो आप लोग कुछ ठीक हो जाओ। एक मैं जो पहले सबको बोलता हूँ, पहले भी, हमारा जो सबसे अच्छा टॉप मोस्ट यूवेली है वो छत्तीसगढ़ में है, उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 8 करोड़ रुपए था, और जो दूसरा है वो एक सरदार जी है वहाँ पर, वो गुरदासपुर में है, ही इज ऑल्सो गॉट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वॉट ट्रांजेक्ट, उसके 15 लोग काम करते हैं, उसका सैलरी बिल 4 लाख रुपये हर महीने। एक हमारा संस्कृत का लड़का है जिसने संस्कृत में पढ़ाई की सारी जिंदगी, वो राजस्थान में है, उसका पिछले साल का टर्नओवर 2 करोड़ था। इन तीनों में एक है, एक अग्रवाल है, एक जैन है और एक सरदार जी है। आप ये तीनों बन जाओ, आप बहुत अच्छा काम करोगे। अग्रवाल, जैन और गुप्ता बन जाओ या फिर सरदार जी बन जाओ, तब आपको बिजनेस करना आएगा, एंड देन ओनली यू कैन बिल्ड अ सस्टेनेबल एंटरप्राइज। चौधराहट में नहीं चलाना, नेतागिरी से मत करना बिजनेस में, नेतागिरी और चौधराहट का काम नहीं होता है। बट इफ यू वॉन्ट टू डू बिजनेस यू नीड टू लर्न द स्किल्स ऑफ व्हाट टू डू। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम आप सबको सरदार जी या अग्रवाल, गुप्ता और जैन बनाना है, दैट्स व्हाट वी विल डू। आपको तोड़ फोड़ के वही बनाएंगे, नहीं तो निकाल देंगे, किसी और को ढूंढ लाएंगे। ह्यूमिलिटी, अच्छा व्यवहार,
सबके साथ, किसी के साथ गाली गलोच नहीं, हर एक को कास्ट क्रीड कलर को छोड़ करके सबको रेस्पेक्ट देना। अगर वो आ जाएगा तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, तब आपको परेशानी